बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। इस किताब का जो टाइटल है, बॉटल ऑफ लाइज, एक बोतल है जिसमें झूठ भरे हुए हैं। ये बोतल दवाई की बोतल जैसी नज़र आ रही है। जब से मैंने ये किताब पढ़ी है, तब से मैं जो भी दवाई खाता हूँ या जो भी दवाइयाँ मेरे घर में उनको उलटने पलटने लगा हूँ। ये जेनरिक है या ओरिजिनल है, ये किसने बनाई है, क्या है ये बॉटल ऑफ लाइज? देखिए, कहानी है जो करीब करीब, मतलब इसमें कई सारे चैप्टर्स हैं, पर जो मेन स्टोरी है वो क्या हुआ मेरे साथ 2003 में, जब मैं यहाँ आया वापस काम करने के लिए। आपने यूएस की फर्म छोड़ी और एनबीएससी ज्वाइन किया आरएनडी डिपार्टमेंट में हेड के तौर पे। और उसके सब उस समय क्या हुआ और वो आगे तक कैसे गई, उसके लूजली उस पर आधारित है। कैथरीन ने बहुत उसमें मेहनत की है इस कहानी को सब्सटैंशिएट करने के लिए। अगर आप देखेंगे किताब के एंड में, करीब 40 पेजेस करीब एंड नोट्स हैं, बहुत ही डिटेल में उन्होंने रेफरेंस पॉइंट्स दिए हुए। हाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स और करीब 20,000 डॉक्यूमेंट्स के बेसिस है, सारे ही डॉक्यूमेंट्स की लिस्टिंग है। हाँ जी, तो इस जो नैरेटिव है इसको बनाने में काफ़ी समय लगा, पर बेसिकली जो नैरेटिव आर्क है इस किताब का, वो मेरे साथ जो हुआ उसके ऊपर आधारित है। अब ये इसका टाइटल बॉटल ऑफ लाइज कैसे आया ये जी, तो क्या हुआ था इस सिचुएशन में, एक ऐसा समय था इंडिया में जब ये कंपनी रैनबैक्स लेबोरेटरीज इंडिया की नंबर वन फार्मास्यूटिकल कंपनी मानी जाती थी। हमारे यहाँ पे इंडिया में दो ऐसे सेक्टर्स थे जो सनराइज सेक्टर कहलाते थे। एक था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा था फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। लेट 90s अर्ली 2000 की बात, क्योंकि उस समय Y2K का सिचुएशन आया था, जहाँ पे इंफोसिस, कॉग्निजेंट, ये बड़ी IT कंपनीज वहाँ जाकर, US जाकर, यूरोप जाकर अपना बेस जमा शुरू कर रही थी कि कैसे आउटसोर्सिंग वाला काम शुरू करें, जहाँ से फॉरन रेवेन्यू हमारे पास आ रहा था। दूसरी एक ये चीज़ थी, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग पावर्स था उस समय पे, जहाँ हम दवाइयाँ बनाते थे, और इंडिया यूज्ड टू बी कॉल्ड द फार्मेसी टू द वर्ल्ड। एंड उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, रीज़न ये था कि हमारे पास केमिस्ट्री स्किल्स जो थे, जो ट्रेनिंग हमारे पास थी केमिस्ट्री की, वो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया गया था हमारे स्टूडेंट्स को। हमारे केमिस्ट आज भी यहाँ पर जो केमिस्ट्री में काम करते हैं, इनका मतलब कोई जवाब नहीं है। I mean, even today when China is trying to replicate अपनी इंडस्ट्री बनाना चाहती है, they are picking people from India and relocating them to China, क्योंकि वो सीखना चाहते हैं हमने कैसे बनाई इंडस्ट्री है। तो एक समय ऐसा था जहाँ पे कि इंडियन जेनेरिक इंडस्ट्री, जो डॉक्टर हमीद की स्टोरी बताई गई थी सप्ला के बारे में, इतनी स्ट्रांग थी कि हम लोग पूरी दुनिया को दवाइयाँ बनाकर सप्लाई किया करते थे, आज भी करते हैं। आज थोड़ा सा समय चेंज हो गया है, पर दैट टाइम वी वर सॉर्ट ऑफ द राइजिंग स्टार इन दैट पॉइंट इन टाइम, एंड दिस कंपनी वॉज द फोर फ्रंट, सबसे बड़ी कंपनी मानी जाया करती थी उस समय पे। जो बाहर आई बात 2013 तक, जब तक ये केस खुल नहीं गया, तब तक ये बात किसी को समझ आई नहीं, क्योंकि एक तो ये थी कि ये जो कंपनी के, मतलब फैमिली के जो सियॉन्स थे, दोनों ब्रदर्स, they were treated as sort of a business royalty in the media, whether you like it or not, that's the way they were treated. So basically jo perception tha, jo media ka unki aur rukh tha, aur jo company ki aur rukh tha, that was basically ki bhai koi bura nahi ho sakta iska. Unhone apni company bech di Daiichi Sankyo ko 2008 mein, 2009 ke aas paas ji. Uske baad Daiichi ne fir se company 2013 mein Sun Pharma ko bech di, kyunki wo manage nahi kar paye us cheez ko. Par jab baat bahar aayi ki is company ne 7 counts of criminal felony, abhi mujhe hindi mein, meri hindi itni achhi hai nahi abhi, to Rembaxy ke khilaf 7 aise mukadme chal rahe the America ke alag alag courts mein drugs ko leke, jo rules and regulations hai uske violation ko leke, jisme they pleaded guilty. Ha, unhone ikrar kiya hai ki humne galat kiya hai is cheez ko, aur $500 million penalties pay ki wahan pe, humne $500 million ki penalty pay ki. To jab ye baat 50 crore dollar ki penalty deni padi Rembaxy ko American court mein, ha, to ye jab baat bahar aayi aur unhone kis
क्या प्ली थी? प्ली एग्रीमेंट ये होता है कि आप एडमिट करते हो कि हाँ मैंने गलत किया है इस चीज़ को. जो प्ली में उन्होंने साइन किया था, जब वो बात बाहर आई तो ये बहुत चमकाने वाली बात थी कि इतनी बड़ी कंपनी जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी मान जाती थी, ये ऐसा कैसे हुआ इसके साथ? आप थोड़ा सा मेरे दर्शकों को विस्तार से ये बताएं कि जो रेनबैक्सी की गड़बड़ी है जी, है ना, हम सब लोग रेनबैक्सी की दवाइयाँ खाते थे और अब वो सन फार्मा ने खरीद लिया जैसा आपने सूचित किया, वो गड़बड़ी थी क्या? क्योंकि वो सिर्फ रेनबैक्सी तक सीमित नहीं है. जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो हमें कई एक एक करके कंपनियां जहां पे FDA फेडरल ड्रग एजेंसी जो है, जब उनकी इंस्पेक्शन होते हैं तो वो गड़बड़ियां दिखती हैं. कि ये पूरी बातचीत दरअसल या पूरा जो कंसर्न है वो ये है कि पहले तो अलग अलग कंपनियाँ ड्रग्स डेवलप करती हैं, दवाइयाँ बनाती हैं, है ना, जो बहुत महंगी होती हैं, जिसमें बहुत रिसर्च होती है. फिर एक तय वक्त के बाद जब उनका इकलौता पेटेंट उस पर ख़त्म हो जाता है तब दूसरी अलग अलग कारोबारी कंपनियां जेनेरिक मेडिसिन बनाती हैं. मतलब एंड रिजल्ट उसका वही मेडिसिन होगा, इफेक्ट वही होगा, बनाने का तरीका उसका अलग होना चाहिए. और चूंकि वो जेनेरिक है, चूंकि मूल रिसर्च में पैसा खर्च नहीं हुआ है, सिर्फ रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ी है, इसलिए वो जेनेरिक दवाइयाँ सस्ती होती हैं. आपने ये टर्म बार बार सुना होगा कि जेनेरिक दवाइयाँ मिलेंगी जन औषधि केंद्र में, यहाँ वहाँ. पूरी किताब की जो कवायद है या जो दिनेश ठाकुर लड़ाई, वो ये है कि ये जेनरिक दवाइयाँ आप सस्ते दरों पर दीजिए, दुनिया भर के गरीबों के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन इन जेनरिक दवाइयों की क्वालिटी इतनी घटिया होती है कि जिसकी वजह से मरीजों की जान बचना तो दूर और उनकी जान के लाले पड़ जाते हैं, जिसके दर्जनों उदाहरण इस किताब में दिए गए हैं. तो ये जो पूरी बातचीत है वो जेनरिक दवाइयाँ बनाने वाली जो अलग अलग कंपनियाँ हैं वो कैसे बिलो स्टैंडर्ड काम कर रही हैं, कैसे डेटा में गड़बड़ कर रही हैं, घोटाला कर रही हैं, दुनिया भर की एजेंसियों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही हैं, ये पूरी बातचीत उस पर है. आई थिंक आई मेड इट समवॉट क्लियर. नहीं, बिल्कुल आपने सही बताया है. देखिए क्या होता है, जैसे आपने बताया कि कोई दवाई वाली कंपनी अगर पहली बारी किसी दवाई को बनाती है जी, है ना, तो उसमें बहुत सारी रिसर्च लगती है. उसको पहले प्रूव करना पड़ता है लैब में कि भाई ये दवाई काम कर सकती है इस पर्टिकुलर डिसीज़ के अगेंस्ट में. उसके बाद ये प्रूफ करना पड़ता है कि मरीजों में काम कर सकती है दवाई. उसके बाद जब उसको परमिशन मिलता है कि आप इस दवाई को बेच सकते हो. मैं दो सिंपल से उदाहरण देता हूँ आपको कि आप समझ आए कि इसमें क्यों इतना समय लगता है. अब देखिए, अगर आपको मान लीजिए आपको मान लीजिए किसी को कैंसर है, है ना, तो उनको जो दवाई, उनको जो ट्रीटमेंट दी जाती है, इन एडिशन टू दवाई के साथ साथ कीमोथेरेपी भी दी जाती है उनको, है ना. एक उसका साइड इफेक्ट ये होता है कीमोथेरेपी का कि बॉडी में बहुत सारी चीज़ें, मतलब एडवर्स रिएक्शंस होते हैं. किसी के बाल, मतलब बाल में वो होता है, स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स होती है रेडिएशन के कारण. तो इसमें क्या है कि जब दवाई अप्रूव करते हैं तो उसमें दो चीज़ें देखते हैं. उसमें देखते हैं कि बेनिफिट क्या है, आपकी लाइफ प्रोलॉन्ग हो रही है, बेनिफिट है, है ना, और रिस्क क्या है कि आपको जो फिजिकल हार्म हो रहा है दवाई कीमोथेरेपी से. तो ये जो बेनिफिट ऑफ रिस्क है, इन दोनों को साथ में लेकर चलने के लिए रेगुलेटर्स होते हैं. ये लोग ये देखते हैं कि भाई अगर आप कैंसर को ट्रीट कर रहे हो तो ये एक्सेप्टेबल है कि आपके बालों के ऊपर थोड़ा असर पड़ेगा. पर मान लीजिए आप सिरदर्द की दवाई दे रहे हैं, आपको सिरदर्द हो गया है, आप सिरदर्द की दवाई दे रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल रिस्क नहीं है कि आपको आपके बाल झड़ जाए, है ना. रिस्क इसमें क्या है, अगर रैश हो सकते हैं कभी आपको, है ना. तो ये चीज़ें जो हैं, रैश इज़ एन एक्सेप्टेबल रिस्क अगर आप सिरदर्द को या पेट दर्द को ट्रीट कर रहे हैं, ना कि आपके बालों के ऊपर फ़र्क पड़ जाए. तो ये जो बेनिफिट ऑफ रिस्क को एस्टैब्लिश करते हैं, इसी के लिए बड़ा लंबा समय लगता है उसको प्रूव करने के लिए. पहले लैब में करते हैं हम लोग, फिर एनिमल्स के ऊपर टेस्ट होता है इस चीज़ का, उसके बाद पेशेंट्स के ऊपर टेस्ट होता है, उसके बाद जब रेगुलेटरी एजेंसीज कहती हैं कि भाई हाँ इस दवाई का इस डिजीज़ के साथ ये बेनिफिट रिस्क सही है, उसके सारे केस मेंटेन किए जाते हैं. हाँ जी. तो हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, हमारे रेगुलेशंस ऐसे हैं, हम लोग ये कहते हैं कि अगर इंडिया में पहली बारी कोई दवाई आई है वो 4 साल तक हमारे नेशनल रेगुलेटर के परवी में होती है. तो उसको अगर परमिशन देना होता है कि अब किसी कंपनी को दवाई बनाए, तो उसका परमिशन सिर्फ नेशनल रेगुलेटर, जो कहते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आता है. 4 साल अगर गुजर जाए उस दवाई को और कहे कि भाई उसके बाद किसी और को वो दवाई बनानी है, तो दैट बिकम्स अ रीमिट ऑफ द स्टेट रेगुलेटर्स. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट हेल्थ सब्जेक्ट है,
तो क्या होता है, हमारे पास 35 स्टेट्स हैं, तो 35 अपने अपने रेगुलेटर्स हैं, तो ये लोग क्या करते हैं इस उसका उस 4 साल के बाद परमिशन ये स्टेट रेगुलेटर के पास पहुंच जाती है। उसमें क्या होता है कि जो कंसिस्टेंसी चाहिए आपको, जो रिगर चाहिए दवाइयों को परखने का कि भाई आपने सही टेस्टिंग की है इस चीज़ की, आप इस चीज़ से जो प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे यहाँ पे जो स्टेट रेगुलेटर्स हैं वो कई कई जगह ऐसे हैं कि जहाँ उनकी ट्रेनिंग ठीक से नहीं है, जहाँ स्टाफिंग ठीक से नहीं है। मैं आपको और आगे उदाहरण भी देता हूँ, पर अब इस बात पे वापस पहुँचते हैं कि जेनरिक ड्रग्स हैं क्या। तो आपने ये बताया है कि पहले 17 साल जो पैटेंट होता है, उसके बाद जब पैटेंट ख़त्म हो जाता है तो बड़ी सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो उस चीज़ को बनाने लगती हैं। जो साइंस है इसके बीच में पीछे, तो साइंस ये कहती है कि भाई आपकी बॉडी मेरी बॉडी दोनों अलग अलग है, आप अगर वही दवाई लोगे जिस तरह से दवाई आपके बॉडी में काम करेगी, आपकी फिजियोलॉजी थोड़ी सी अलग है मेरे हिसाब से। तो स्टैटिस्टिकली ये कहती है कि अगर इनोवेटर मॉलिक्यूल 100% है तो जेनेरिक दवाई 20% से 115% के बीच में होनी चाहिए। ये साइंस कहता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे लॉ में ये है लिखा है कि जेनेरिक दवाइयाँ 70 से लेके 130 के आसपास जा सकती हैं। कई ऐसी चीज़ें हमारे लॉ में लिखी हुई है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंसिस्टेंट नहीं है। ये लॉ कितना पुराना है इंडिया? ये जो लॉ लिखा गया था ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, जो हमारा गवर्निंग लॉ है, ये हमारी आज़ादी के पहले का एक्ट है। 1940 में लिखा गया था ये। और सोचिए तब से चला आ रहा है, तब से चला आ रहा है। और उसमें क्या हो गया है, देखिए उस समय कौन सी बीमारियाँ कौन कौन सी होती थी। उस समय सबसे बड़ी बीमारी होती थी इन्फेक्शन, और जो सबसे बड़ी बिल्कुल तो ये सारी इन्फेक्शन डिसीजेज में आती है ना। और जो दवाइयाँ उस समय बना करती थी तो पेनिसिलिन हुआ करती थी, सेफालोस्पोरिन हुआ करती थी। उस जो हमारी रेगुलेशंस लिखी गई हैं वो उन दवाइयों के लिए लिखी गई हैं। आज साइंस बहुत आगे बढ़ गई है। आज हमारी डिजीज़ बर्डन देखिए, इंडिया का डिजीज़ बर्डन सबसे ज़्यादा होता है मेटाबॉलिक डिजीज़, डायबिटीज़ हमारे यहाँ सबसे प्रेवलेंट बीमारी है, हमारे यहाँ कैंसर की प्रॉब्लम है। जो दवाइयाँ इन चीज़ों को ट्रीट करती है, हमारा रेगुलेशन इसके लिए बना है ही नहीं, और कानून में वो चीज़ें हैं ही नहीं। और क्या हुआ है कि जब प्रॉब्लम्स आई हैं हमारे पास, हमने बैंडेड की तरफ ने एक पट्टी लगा दी उसके ऊपर कि भाई हाँ, जैसे कई बार ऐसे हुआ है कि क्लिनिकल ट्रायल्स में पेशेंट्स की मृत्यु हो गई। हाँ, कोई मुझे बता रहा था जब मैं इसी किताब की, आंध्र प्रदेश में HPV के ट्रेन क्लिनिकल ट्रायल्स में ऐसी प्रॉब्लम हुई थी। तो क्या हुआ कि कई हेल्थ एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट गए और कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया, और उस जजमेंट के बेसिस पे हमने ना मॉडिफाई कर लिया थोड़ा बहुत। तो ऐसे कई ऐसे मॉडिफिकेशन हम लोग ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट पर लगा चुके हैं। इट्स बिकम अ बॉल ऑफ वैक्स, बहुत एडहॉकिज्म है इस चीज़ में। जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये जो रेगुलेशन है हमारे पास, सारी दुनिया में कहते हैं कि 20% की वेरिएशन होनी चाहिए, हम लोग 30-30% वेरिएशन बर्दाश्त करते हैं। और मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों है। देखिए, अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, एंटीबायोटिक करती क्या है, जो आपके अंदर बैक्टीरिया पैथोजन है उसको मार देती है। मलेरिया है आपके पास, मलेरियल पैथोजन अंदर आ गया, मच्छर ने काट लिया, डेंगू हो गया, दिल्ली में होता है यहाँ पे। जो एंटीबायोटिक होती है वो क्या करती है, अंदर जाके इंडिस्क्रिमिनेटली पैथोजन को ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो उसमें अगर मान लो इनोवेटर के मुकाबले आपके पास 90% दवाई है या 110% दवाई, उसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 20% का स्विंग हो सकता है। पर ऐसी इतनी दवाइयाँ हैं आज मार्केट में, जैसे मान लीजिए आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, PSH सेक्रेशन नहीं होता है, आप मेंटल हेल्थ के लिए कुछ लेते हो, मूड डिसऑर्डर के लिए लेते हो, वेमेंस इश्यूज हार्मोनल चेंजेस के लिए जो दवाइयाँ मिलती हैं, सर्जरी होती है, आप ट्रांसप्लांट्स होते हैं, इनको कहते हैं नैरो थेरेप्यूटिक डोसेज ड्रग्स। इसमें क्या होता है, थोड़ी सी 5% की भी अगर वेरिएशन आ जाए तो जो थेरेप्यूटिक बेनिफिट चाहिए होती है वो नहीं मिलती आपके पास। इसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। आज अगर हमारी ड्रग सप्लाई हम देखें, एंटीबायोटिक्स बहुत छोटी रह गई हैं हमारे पास। जो सिरदर्द की दवाइयाँ हैं बहुत कम वॉल्यूम में, बहुत कम है। और जो कॉम्प्लेक्स दवाइयाँ हैं आजकल, जैसे कहते हैं देखिए, एक दिन में एक टैबलेट लेने की जगह आजकल कहते हैं कि भाई वन से BID, जो एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स होती हैं, जो फॉर्मुलेशंस कॉम्प्लेक्स हो गए हैं,
फिक्स डोज कॉम्बिनेशन. थोड़ा सा उदाहरण से समझाएंगे तो दर्शकों को ज़्यादा समझ में आएगा. तो क्या है कि पहले दवाइयाँ, पहले जब मान लीजिए आप सीरियस के लिए दवाई ले रहे हैं, ठीक है, आइबुप्रोफेन डॉक्टर ने दे दिया आपको, कहा कि भाई आप आइबुप्रोफेन लीजिए 100 मिलीग्राम. अगर उसके पैकेज के पीछे देखेंगे उसमें लिखा होगा कि 100 मिलीग्राम्स आईपी, उसका मतलब ये होगा कि 100 मिलीग्राम इस दवाई के अंदर, इस गोली के अंदर होना चाहिए. उस दवाई को जो आपकी एक अफ्लिक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए डिपेंड करता है कि डॉक्टर की क्या असेसमेंट है. अगर 100 से हो सकता है या वो बढ़ा के आपको कहेंगे कि एक की जगह 2 गोली लीजिए साथ में 200 मिलीग्राम की, ना, सवेरे शाम में. कई बार ऐसे होता है कि डॉक्टर ऐसी दवाइयाँ भी बनी हैं, वो कहते हैं कि ठीक है पेशेंट को, हम लोग ये नहीं कहते हैं कि याद रखिए आप सवेरे लेना है और शाम में भी लेना है. कई बुजुर्ग लोग होते हैं, भूल जाते हैं दवाई लेना, तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा फॉर्मुलेशन बनाते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी देर तक रहे, और उसको कहते हैं एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन. वो एक दिन में कहते हैं एक ही बार लीजिए, आपको 2 बार या 3 बार लेने की 24 घंटे तक काम करती रहती है. तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जो बढ़ती गई है दवाइयों के अंदर, ये इतनी आसान नहीं है कि हम लोग कहें कि 20% वेरिएबिलिटी के अंदर आ चुके हैं. आज अगर आप जाइए किसी भी समय पर दवाई के डॉक्टर के पास जाइए, दवाई लेने के लिए जाइए ना, देखिए उसके अंदर अगर लिखा है दवाई के आगे ER का मतलब ये होता है एक्सटेंडेड रिलीज. आप दिन में एक ही बार ही लोगे दवाई को और सारा दिन काम करेगी आप, धीमे धीमे घुलेगी, धीमे धीमे. हाँ, ये जो धीमे धीमे घुलना बड़ा आसान लग रहा है उसमें बड़ी साइंस लगती है. और वो ये सारी चीजें क्या है कि अगर इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हम चीज को,